ये हेयर फॉल क्या कोई बीमारी है या कोई मेडिकल कंडीशन है, ये है क्या? सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता और हम लोग सारे के सारे सूखे बालों पे तेल लगाते हैं। जब मैं बालों में हाथ मारूं और कुछ बाल मेरे हाथ में आ जाएं, तो मैं ये कैसे समझूं कि अब मेरे बाल टूटना शुरू हो गए हैं या फिर ये नॉर्मल है? 50 साल पहले तो शैम्पू होता नहीं था, तब भी लोगों के बाल थे ना। शैम्पू आइडली हमें सप्ताह में कितने दिन कर लेना चाहिए? आपने देखा होगा कि आपकी आईब्रो कभी सफेद नहीं होती, लेकिन ये वाले बाल सफेद हो जाते हैं, पता क्यों? क्या पानी की तासीर बालों के टूटने का कारण बनती है? हेलमेट पहनना पड़ता है, हेलमेट से बाल टूटता है। वो क्यों टूटता है? बिकॉज़ आपको हेलमेट पहनने का तरीका शायद नहीं आता। जब हम हाथ मारते हैं बालों में और हाथ में टूटे हुए हमें बाल नजर आते हैं, तो चेहरा अपने आप डाउन हो जाता है। साथियों, बालों में हाथ डालिए तो बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है, और फिर लोग तरह तरह के शैम्पू और न जाने क्या क्या खाना है, क्या क्या लगाना है, और बालों को बचाने के लिए कई तरीके की चीज़ें जो है इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हेयर फॉल एक आम समस्या हो गई है। पहले का वक्त था जब कभी एक उम्र के बाद बाल गिरना शुरू होते थे, लेकिन अब किस उम्र में और किस पड़ाव पर सिर के बाल गिरने लग जाएं कुछ पता ही नहीं लगता। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है बालों की देखरेख के लिए। लेकिन बाल क्यों गिरते हैं, बालों में अगर ये समस्या हो भी जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे इनकी देखरेख करनी चाहिए, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और इन सवालों में लोग उलझे रहते हैं और तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये सारे समाधान किसी ऐसे आदमी से जाने जाएँ, किसी ऐसे आदमी से समझे जाएँ जिसने अपनी ज़िंदगी इसी में गुजार दी हो, यानी वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो बालों का, तो फिर क्या कहने। इसीलिए आज हमने जो बालों की समस्या है उसके हर समाधान, यानी बालों से जुड़े हुए हर सवाल का सही जवाब, उसका क्या समाधान होगा, और आपके जो जहन में कई तरीके के सवाल होंगे, उन सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया और यहाँ आज हम लेकर के बैठे हैं। और हमने जिस पर्सनैलिटी को, जिस शख्सियत को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है, उनका नाम है हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब साहब। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको सिर्फ मेरी कैंची की जरूरत है और जब मैं किसी के बाल काटता हूँ उसका बाल बाका नहीं हो सकता जी। ये बहुत बड़ी है, आपने अपना इंट्रोडक्शन इतनी खूबसूरत स्टाइल में दिया, यकीनी तौर पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहरहाल, मैं शुरुआत करता हूँ इस सिलसिले की। हेयर फॉल एक बड़ी कॉमन सी समस्या हो गई है आजकल। बालों में हाथ मारिए, और जिसके बाल है वो तो हाथ मारना बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन जब हम हाथ मारते हैं बालों में और हाथ में टूटे हुए हमें बाल नज़र आते हैं, तो चेहरा अपने आप डाउन हो जाता है। ये हेयर फॉल क्या कोई बीमारी है या कोई मेडिकल कंडीशन है, ये है क्या? ये गंदगी है और कुछ नहीं है। देखिए, पहले समझना पड़ेगा हमारे भारत के अंदर पसीना बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, और पता नहीं ये जो अंधविश्वास है ना कि रोज़ शैम्पू नहीं करो, इसने हमारे बालों का सत्यानाश कर दिया। और आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे बालों का सबसे ज़्यादा सत्यानाश किसने किया? तेल ने किया। ये रात को हम जो तेल लगा के सोते हैं ना, उसने हमारे बाल सारे निकाल दिए, सारे बाल गिरे कर दिए। तो अगर आप सच्ची में चाहते हैं आपके बाल 100 साल चलें, वो भी आज से, आपको रोज़ शैम्पू करना चाहिए, वो भी मेरे तरीके से। अगर आप शैम्पू करेंगे ना, किसी का बाल नहीं टूटेगा। और बाल रखने के लिए आपको महंगा शैम्पू नहीं चाहिए, बाल रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, एक ही वर्ड है, वो क्या है? सफाई। बालों को साफ करो। अब जब आप कहते हैं बालों को साफ करें, तो यकीनी तौर पर लोग सुबह सुबह नहाना शुरू करते हैं, या तो साबुन लेंगे या फिर शैम्पू लेंगे, बालों में मलेंगे, बालों की चंपी करेंगे, और उसके बाद नहा धो करके कंघी करेंगे और निकल जाते हैं। अब सवाल यह है कि बालों की सफाई करें, तो आप जब कहते हैं बालों की सफाई, तो उसके मायने क्या हो जाते हैं? देखिए, हम लोग रोज़ नहाते हैं जी, दांत धोते हैं जी, मुँह धोते हैं, ये बाल नहीं धोता कोई। जब आप इस पोर्शन को धोएंगे नहीं, तो क्या होगा? पसीना आएगा और हमारी बॉडी का जो ऑयल है ना, वो चिपक जाता है, और वो चिपक के क्या बनता है? रूह से, जिसको हम लोग बोलते हैं डैंड्रफ। तो जो डैंड्रफ है बालों का, एक तरह का पॉइजन है, और वो सबसे बड़ी बीमारी है। और जो भी आदमी ऐसे खुजलाता रहता है ना बालों के अंदर, उसका मतलब उसके बाल टूटने वाले। तो बालों की निशानी क्या है, वो कितने हेल्दी हैं, ये नहीं होना चाहिए। जितनी इचिंग होगी इतना जल्दी बाल टूटेगा। और मेरा आंसर क्या है? रोज़ धो, रोज़ शैम्पू करो। और शैम्पू कैसे करेंगे? मेरे तरीके से। पहले बालों को गीला करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, फिर लगाओ तेल, लेकिन चंपी मत करना। हम लोग क्या करते हैं? चंपी करते हैं। जितना चंपी करोगे इतना बाल टूटेगा। तो पहले बाल गीले किए, तेल लगाया, कौन सा तेल? भारत का तेल, सरसों का तेल लगाओ ना, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बहुत देसी चीज़ें यूज करो। अगर आपके बाल लंबे हैं, कंघा कर लो, ताकि जो मेरा तेल होगा ना वो स्प्रेड हो जाएगा। फिर आप ब्रश कर लो, और फिर शैम्पू करो, और कौन सा शैम्पू जो आपको पसंद है। हमें आपका जो हेयर एक्सपर्ट बोल रहा है, या आप सोचते बहुत महंगा शैम्पू चाहिए, नहीं, शैम्पू है क्या? एक तरह का क्लींजर है, और जैसे वो क्लीन करेगा आपकी स्कैल्प को, आपके बाल के डैंड्रफ खत्म, और डैंड्रफ खत्म, आपके बाल बच गए। जावेद जी,
आपने अपना एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से हम लोग नहाएं, इस तरीके से अपने बालों की केयर करें। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं कि बाल पतले हो जाना, बालों का दो मुहा होना, ये क्या है? ये भगवान की देन है। देखिए, मोटे बाल, पतले बाल, कर्ली बाल, सीधे बाल, कम बाल, ये भगवान की देन है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि मैं बालों का टेक्सचर चेंज करने वाला हूं, इट्स ऑल नॉनसेंस। जैसे बाल है ना, पहली बात तो शुक्र मनाओ कि आपके सर पे बाल हैं। जिसके सर पे बाल नहीं होते बेचारा क्या सोचता है, कंघा लेके घूमता रहता है सारे दिन कि मेरे बालों में कंघा हो जाए। तो प्लीज, पहली बात तो ये भूल जाते हैं कि बाल कम है या बाल घने कम है या बाल बहुत बहुत ही लाइट बाल हैं, बाल हैं। बस उसको मेंटेन करो, और मेंटेन कैसे करोगे, सफाई करना सीखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी। बालों का जो झड़ना है वो मेल फीमेल दोनों में है क्या? दोनों के लिए कोई अलग अलग रीजंस हैं, कोई अलग समस्याएं हो सकती हैं, अलग कारण हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है दोनों का सेम ही है। मुझे लगता है दोनों का सेम ही है। देखिए, बच्चा हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, यंग हो, सबके बाल सेम है। हाँ, लेकिन इंसान आदमी के जो बाल होते हैं कम होते हैं तो वहां गंजापन ज्यादा नजर आता है, और जो फीमेल के बाल होते हैं वो ज्यादा होते हैं तो वहां गंजापन नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉल है ये सब में सेम है, वो ब्लॉन्ड बाल हों या हमारे अफ्रीकन बाल हों या हमारे साउथ इंडियन बाल हों या हमारे नॉर्थ इंडियन बाल हों, फॉल ही होता है जी। चलिए, बालों का गिरना जब शुरू होता है, अब जैसे मान लीजिए कि लोगों को इतना एहसास नहीं होता, हम बालों में हाथ मारते हैं तो कुछ ना कुछ बाल आ ही जाते हैं हाथ में, तो हम ये कैसे समझें, कैसे माने कितने बाल, क्या बालों का टूटना एक आम प्रोसेस है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब मैं बालों में हाथ मारूं और कुछ बाल मेरे हाथ में आ जाएं तो मैं ये कैसे समझूं कि अब मेरे बाल टूटना शुरू हो गए हैं या फिर ये नॉर्मल है, आप कैसे इसे समझाएंगे? देखिए, बाल और जो घास है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक काला है और एक हरा है, ठीक है, ये चीज़ समझ लेते हैं। घास का एक अपना सीजन होता है, एक सीजन में घास कम होती है, एक में ज़्यादा होती है। तो अगर मैं मानसून की बात करूँ, मानसून में बाल सबसे ज़्यादा टूटते हैं, सर्दी के अंदर हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे नज़र आते हैं, ओके, समर के अंदर हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्लैट नज़र आते हैं। लेकिन बाल टूटते कब हैं, पसीने के अंदर। अब वो पसीना हमारा गर्मी का पसीना है, वो पसीना हमारा मानसून का पसीना है। तो जितना पसीना है वो पसीना क्या है, बालों की बाढ़ है। और इस बाढ़ को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, स्पेशली इन मानसून, कंडीशनर मत लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, तेल कम लगाओ। मतलब ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज चाहिए। हमारी नॉलेज आजकल की क्या है, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, जितना लगाओगे इतना सत्यानाश होने वाला है। देखिए, आपकी दादी के बाल ज्यादा थे, आपके फादर के बाल ज्यादा हैं, वो क्या करते थे, सिर्फ चंपी करते थे ना और साबुन लगाते थे, उस टाइम तो शैम्पू था भी नहीं। तो मतलब जितनी नॉलेज बढ़ रही है प्रोडक्ट्स के बारे में, इतना सत्यानाश हो रहा है बालों का। और इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, हर आदमी क्या बोलता, मेरा शैम्पू लगाओ सबसे अच्छा है। भैया, शैम्पू लगाने का तरीका तो सिखा दो पहले। हमें ये सीखना है, हमें ये सीखना है कि इसका ज्ञान क्या है, जिसको मैं कहता हूं हेयर योगा। अगर आप लोग हेयर योगा फॉलो करेंगे, मतलब सफाई करेंगे, तो बाल क्यों टूटेगा, प्लीज है। तो प्लीज है, गो टू योर हेयर एक्सपर्ट, उससे पता करो कि मुझे इस पे कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे सुनेंगे ना, सिर्फ चार मेरे स्टेप है जी, अगर उसको फॉलो करेंगे, किसी का बाल नहीं टूटने वाला जी। मैं आऊंगा इन चार स्टेप्स पर भी, नोट कर लिया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझता हूँ, दिल्ली से लोग मूव करके एनसीआर में जा रहे हैं, और जो लोग एनसीआर में रहते हैं, मैं भी एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में ही रह रहा हूँ, उनका कहना ये है कि यहाँ का पानी जो है ना, वो दिल्ली से थोड़ा हट करके है, और पानी बदलता है तो फिर बालों का टूटना शुरू हो जाता है। क्या पानी की तासीर बालों के टूटने का कारण बनती है? क्या करेंगे आप बताओ ना मुझे, क्या अपना घर चेंज करोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है जी। तो पानी चेंज नहीं कर सकते, मतलब पानी को हम ऐसे यूज़ करें कि हमारा वो पानी बैलेंस हो जाए। और तभी मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप नहाने से पहले अगर आप तेल लगा लेंगे ना, वो हार्ड पानी नोएडा का हो या सॉफ्ट पानी दिल्ली का हो, सेम बन जाएगा। सो पानी चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन पानी के साथ हम उसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे, ये सीखते हैं हम लोग। ये समय कितना होना चाहिए नहाने से, कितनी देर पहले हमें बालों को? पाँच मिनट सर, सर पाँच मिनट, रात को क्या तेल लगाने में लगे हुए, रात भगवान ने सोने के लिए दी है। और हमें सिखाया गया स्कूल के अंदर, हमारे कॉलेज टाइम के अंदर, कि हमारी बॉडी ब्रीथ करती है। तो अगर रात को आपने तेल लगा के चंपी करके आपने क्या किया, आपने जो आपके जो स्कैल्प है ना, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, और जब वो ब्रीथ नहीं कर पाते तो बाल तो टूटेगा। तो तेल, और हमारी बॉडी में सब कुछ है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितने केमिकल हैं सारे भरे पड़े हैं, हमारी बॉडी में पानी भरा पड़ा है, हमारी बॉडी में ऑयल भरा पड़ा है, तो मुझे ऑयल चाहिए क्यों?
पता हमें ऑयल क्यों चाहिए? हमारी दादी के टाइम के अंदर हम लोग यूज करते थे साबुन, और उसका बेस क्या था? कास्टिक सोडा। और वो कास्टिक सोडा हमारे बालों को ड्राई कर देता था, रूखे करता था। उस रूखेपन को खत्म करने के लिए हम लोगों ने तेल का सहारा लिया, लेकिन वो तेल का जो सहारा था ना, उसने हमारे बालों को डेफिनेटली थोड़ा हार्म किया है। जावेद जी, बालों का टूटना जो है जब शुरू होता है तो उसका अपना एक पैटर्न होता है। वो फीमेल में कुछ अलग तरीके का होता है, मेल में अलग तरीके का होता है। मेल में ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे मैं खुद अपनी भी बात कर लूँ, मेरे बाल बहुत घने थे, लेकिन धीरे धीरे उनका झड़ना शुरू हुआ। और ये जो साइड से इस तरफ से और इस तरफ से, या फिर मेल में ज़्यादातर देखा जाता है लेफ्ट राइट ये हिस्सा, या फिर बीच में एक चंदेरी सी गोल सा हिस्सा बन जाता है और वहाँ से बाल टूटना शुरू होते हैं। ये मेल और फीमेल के अलग अलग पैटर्न क्या हैं, और हम किस समय समझें कि ये जो बाल गिर रहे हैं ये बाल नॉर्मल नहीं गिर रहे हैं, ये बाल एक्चुअली अब झड़ना शुरू हो गए हैं, इसलिए अलर्ट हो जाओ, वो पैटर्न क्या है, कैसे समझ सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारा मॉर्निंग में जो शीशा देखने का जो तरीका है ना, क्योंकि हम लोग जो सुबह सो के उठते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सब लोग शीशे पे जाते हैं और शीशे पे जाके क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। ये जो रोमांस है ना मॉर्निंग का, ये आपको बताता है कि आपके बाल कितने हेल्दी हैं। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, आपका पूरा दिन अच्छा है। और अगर सुबह सुबह आप महसूस करते हो कि नहीं यार, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू बिकम नेगेटिव। और जैसे नेगेटिव बनेंगे ना, आपका पूरा दिन खराब होता है। तो दिन की शुरुआत भी बाल हैं और रात की शुरुआत भी बाल हैं, बिकॉज रात को सोने से पहले हम लोग सारे सपने लेना चाहते हैं। और क्या करते हैं? दोबारा मिरर, और क्या करेंगे? रोमांस करते हैं। तो मतलब ये सुबह का शीशा है ना, ये आपको बताता कि आपके बाल कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपके फेस पे ये दांत कम निकल रहे हैं, आपके बाल ज्यादा टूट रहे हैं। अगर आपके दांत हंसी आ रही है ना, यू आर वेरी हेल्दी, योर हेल्थ हेयर इज वेरी हेल्दी। आई थिंक ये निशानी है उसकी। ओके, तो मींस अपना जो मानसिक लेवल है, यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंटेलिटी और अपनी अपने मतलब अपना अपने आप को खुद मोटिवेट करें, अपने आप को खुश रखें। और अगर कुछ टूट भी रहा है, झड़ भी रहा है, तो फिर उसको उसके लिए क्या करें? सर देखो, दिन के अंदर 50 बाल टूटने ही हैं। जैसे पेड़ होता है ना, पत्ते गिरते रहते हैं लेकिन आते रहते हैं, ऐसे बाल टूटते रहते हैं और आते रहते हैं। मैंने क्या बोला कि पेड़ और बालों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जैसे पत्ता टूटता है दोबारा आता है, ऐसे बाल टूटता है दोबारा आता है। तो इसमें ज्यादा सोच के रहो। हाँ, बाल टूटने के रीजन हो सकते हैं जी, बाल शैम्पू नहीं कर रहे रोज, हमने कुछ केमिकल किया और रॉन्ग केमिकल हो गया, और उस रॉन्ग केमिकल ने हमारे बालों का सत्यानाश कर दिया। तो आई थिंक ये दो चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा बाल टूटता है। थर्ड थिंग, ऑफकोर्स मे बी वी आर नॉट हेल्दी, लेकिन उसके चांसेस मैं बोलता हूँ मे बी 5-10%। लोग बोलते हैं हेरिडिटी है, मेरे फादर के बाल नहीं थे, लेकिन उस टाइम नॉलेज कहाँ थी? तो हेरिडिटी ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। मैं क्या बोलता हूँ डियर, भगवान ने बालों के साथ भेजा है ना, बालों के साथ लेके जाए, ये हमारी हेल्दी बालों की निशानी है जी। मैंने देखा है लोगों को, लोग खाने पीने में इतना ध्यान नहीं रखते, और वो क्या खा रहे हैं ज़्यादा बेहतर लोगों को आइडिया है, लेकिन हाँ, जब बाल टूटते हैं तो लगाने के नाम पर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं लोग। कोई अंडा लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई संतरे के छिलके के साथ कुछ कुछ नींबू मिला करके लगा रहा है। लेकिन जब हम उनसे पूछे कि भाई अंडा खाते कितना हो या फिर संतरे खाते कितने हो, तो पता लगा कि डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं है जितनी चीज़ों को हम अपने बालों पे लगा रहे हैं। तो ये क्या जो इस तरीके के जो उपाय हैं या इस तरीके के जो सॉल्यूशन हैं, क्या ये एक्चुअली काम करते हैं? देखिए भाई, एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो बाल है ना, ये हमारा डेड पार्ट है। अब इसको बाहर लगा के कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपकी सोच, खाने से कुछ होता नहीं है। हम सब लोग बैलेंस डाइट खाते हैं, वो वेज हो नॉन वेज हो, हम ब्रेकफास्ट करते हैं अपने टाइम के ऊपर, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे बालों की हेल्थ पानी है। वो रीज़न क्या है उसका? हमारी बॉडी में 80% पानी है ना, हम लोग उल्टा जा रहे हैं आजकल, पानी कम कर दिया और हम लोगों ने खाना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। तो अगर मैं नेचर में बिलीव करूँ कि मुझे पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मुझे टाइम पे खाना खाना चाहिए, क्या खा रहे हो, आई थिंक दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इज अंडरस्टैंड द बॉडी, अंडरस्टैंड द बॉडी साइंस, अंडरस्टैंड द हेयर साइंस। अगर ये आ जाता है ना, मुझे लगता नहीं किसी का बाल टूटने वाला। और मैं कहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी का बाल टूटेगा क्यों? आप मेरी सुनो ना, क्योंकि मैं कुछ बेचता नहीं हूँ। मैं क्या बेचता हूँ? बालों का ज्ञान। और बालों का ज्ञान क्या है? ऐसे करो ना यार, प्लीज। अच्छा, तो जावेद हबीब साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आप चीज़ें बालों में लगाते हैं तरह तरह की, बेहतर है, अरे भाई अंडा लगा रहे हो तो अंडा खा लो, संतरे का छिलका लगा रहे हो संतरा खा लो, या फिर जितनी भी खाने की प्रॉपर जो प्रॉपर डाइट होती है, बैलेंस डाइट होती है, आप उसका सेवन कीजिए। प्रॉपर मात्रा में जो पानी है, पानी का सेवन कीजिए, सही तरीके से सेवन कीजिए, तो मुमकिन है कि ये जो हेयर फॉल है उस पर लगाम लग सकती है। लेकिन जावेद भाई, कुछ मिथ्स भी हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो टोपी लगाए रखते हैं,
वो उनके बाल ज्यादा टूटते हैं, हेलमेट लगा करके जो जो लोग चलते हैं उनके बाल ज्यादा टूटते हैं। वो टोपी क्या? नहीं है, वो टोपी नहीं है, हेलमेट नहीं है, वो पसीना उसका। जी मैं ये नहीं बोलूं आपको हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करें, पहले एक हैंकी बांध लो, ठीक है, तो अगर पसीना निकलेगा भी वो उसके अंदर सोक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रोज शैंपू करेंगे उसके चांसेस कम है, जैसे आप लोगों का प्रोफेशन है, आप मोस्टली आउटडोर पे होते हैं, पसीना है, डस्ट है, ठीक है, हेलमेट पहनना पड़ता है, हेलमेट से बाल टूटता है। वो क्यों टूटता है, बिकॉज आपको हेलमेट पहनने का तरीका शायद नहीं आता है, हमें हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन क्या करो, पहले आप हैंकी बांध लीजिए, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप हेलमेट पहनते हैं आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए, 100% सूखे होने चाहिए, क्योंकि एक तो पानी है, ऊपर से पसीना आया तो वो ज्यादा रूसी पैदा करेगा। तो ये टोपी पहनना, हेलमेट पहनने का तरीका सीखते हैं, बाल टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाइक पर चलते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन ये जो तरीका है कि आप जब चलें तो उससे पहले बालों को कवर अप कर लें, उनको ड्राई रखें, ये एक इंपॉर्टेंट बात जावेद साहब ने बताई है। जावेद जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आजकल बड़ा ट्रेंड बन गया है, लोग नहा के आते हैं उसके बाद हेयर ड्रायर लेते हैं, हेयर ड्रायर से बालों को सुखाना शुरू कर देते हैं, नेचुरल है, हवा लगेगी बाल वैसे ही सूख जाएंगे, लेकिन ये इस तरीके से ड्रायर करना, क्या इससे फ़र्क पड़ता है हमारे बालों पर? देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं फर्क पड़ सकता है, बिकॉज ड्राई के अंदर हीट है, लेकिन मैं भी करता हूं। तो अगर आपने एक मिनट के लिए रोज कर लिया या आपने सिर्फ ब्लो कर लिया, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर आप लोग शैंपू से पहले तेल लगाएंगे, देखिए इस चीज का मतलब समझते हैं, शैंपू से पहले आपने तेल जो लगाया आपने बालों के अंदर मॉइस्चराइजर डाल दिया। और दूसरी चीज आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूखे बालों पर तेल काम नहीं करता, और हम लोग सारे के सारे सूखे बालों पर तेल लगाते हैं, तभी मैंने क्या बोला, पहले बाल गीले करो फिर तेल लगाओ, आपका तेल ज्यादा असर करेगा। दूसरी चीज लोग बोलते हैं तेल लगा, तेल के अंदर स्मेल है, गीले बालों पे स्मेल नहीं है, लोग बोलते हैं तेल निकलता नहीं है, जब आप गीले बालों पे लगाएंगे तेल आसानी से निकलेगा। तो दिमाग में डाल लीजिए, जब भी कोई सा भी तेल लगाएं बाल गीले होने चाहिए, उसके बाद ही आपका तेल काम करने वाला है। जी जावेद जी एक चीज़ और भी है कि आजकल जैसे पहले तो ये होता था कि लोग जब उम्र का एक पड़ाव पार कर जाते थे, कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं बताओ, मैं कह रहा हूँ शायद 55, 50, 60, मैं 60 साल का हूँ जी, आपको देख करके तो स्किन देखिए, आपको देख करके तो मेरे हमें बाल देखिए जी, और मैंने एक बात बोली है, भगवान ने हमें बाल लेके भेजा है, हमें बाल लेके ऊपर जाए, इसका मतलब क्या है कि हमें इसको मेंटेन करना है। सी बाल एक तरह की हेल्थ है ना, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारे बाल भी हेल्दी होने चाहिए। तो ये एज वाला जो एक्सक्यूज है ना, मैं उससे एग्री नहीं करता, उससे बिल्कुल एग्री। आपने कहा हमारी हेल्थ बेहतर होनी चाहिए, जब हमारी हेल्थ बेहतर होगी तो हमारे बाल भी अच्छे होंगे। ये जो बहुत तरीके के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स डाइट है, कायदे से हमें किस तरीके, जब मैं सिर्फ इस कैटेगोरिकली जब मैं बालों की सेहत के लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हमारी किस तरीके की डाइट होनी चाहिए या किन चीज़ों पर हमें थोड़ा ज़्यादा रिलाय करना चाहिए जिससे हमारे बालों की सेहत भी शरीर के साथ साथ थोड़ा दुरुस्त। देखिए मुझे लगता है कि विटामिन मिनरल सब भरा हुआ है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप गेहूँ अच्छा खा रहे हैं, रोटी अच्छी खा रहे हैं, चावल अच्छा खा रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में खा रहे हैं, पानी अच्छा पी रहे हैं, मतलब जो नेचर है, दूध अच्छा, जैसे दही चीज़ें, आई थिंक जो बेसिक है ना, मुझे लगता है यही हमें चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए, हमें यही चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग स्पेशल फॉर हेयर केयर। हमारी पता हमारा जो रूटीन जो खाना अंदर जा रहा है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारी आउटर हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आउटर हेल्थ में हमारा क्या आता है, हमारी स्किन आती है, हमारे बाल आते हैं। तो ऐसा लोग बोलते ना कि ये खाओ बालों के लिए, आई डोंट थिंक सो। पता है मेन चीज क्या है, हमारी बॉडी में हमारा मिनरल क्या है, हमारा माइंड, मैं अच्छा हूं। हमारे विटामिन क्या है, मैं अच्छा सोचता हूं कि मेरी स्किन अच्छी है और मेरे विटामिन, ये जो स्माइल है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये हमारे दांत हैं, ये खाने के लिए नहीं है, हंसने के लिए। और जो आदमी जितना हंसमुख होता है ना, जितना हेल्दी होता है, इतने दांत निकलते हैं उसके। जी तो अगर मैं ये कहूँ कि बाल टूटने के कारण क्या है, तो तीन अगर मैं बड़ी वजह मान लूँ जो आपने मुझे बताई, कुछ मिस हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नंबर वन कि पसीना ना आए, बाल गंदे ना हो। नंबर टू हम प्रॉपर डाइट लें, हेल्दी ऑन टाइम प्रॉपर पानी लें। और तीसरा हमेशा खुश रहें, खुद को बेहतर माने, स्वस्थ माने। ये तीन चार कारण अगर हमने, एक चीज और बोल सकता हूँ, रात सोने के लिए दिया जी, सो ये जो सूरज है ना, इसमें कुछ पावर है। और अगर सूरज की किरणें अगर हम लोग सुबह लेना शुरू कर देना, आजकल चला ना विटामिन डी है, ये सूरज की किरणें हमें चाहिए, ये सूरज की किरणें हमारे बालों के लिए भी चाहिए। तो आप अपने टाइम पे उठिए, सुबह उठिए, और ये सूरज है ना, इसको रिस्पेक्ट दीजिए।
ठीक है, हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए, हमने कारण समझे, हमने क्या क्या कमियां हो जाती हैं वो भी जानी आपसे। अब चलिए थोड़ा मार्केट के लिहाज से सवाल जवाब कर लेते हैं। आजकल लोगों का ये बड़ा चलन हो गया है कि मार्केट में जाते हैं और बड़े बड़े तरह तरह के शैम्पू मार्केट में मौजूद हैं और आप पैसा खर्च कीजिए और सब चीज़ें मौजूद हैं। कमाल की बात यह है कि जो जिस तरीके के दावे किए जाते हैं वो दावे भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं। क्या मार्केट में जिस तरीके के ये मैं कहूँ कि शैम्पू अलग अलग मार्केट में जो बिक रहे हैं, आप जावेद हबीब किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? अगर मैं मान लीजिए शैम्पू भी करूँ तो मैं कौन सा शैम्पू उठाऊँ, किस तरीके कौन से साबुन उठाऊँ, आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? शैम्पू इज शैम्पू। नहीं, आजकल तो आयुर्वेदिक भी हैं, आजकल शैम्पू। जिस दिन कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में आ गई, आयुर्वेदिक कहाँ, केमिकल तो है, हर्बल कहाँ, केमिकल तो है, तो मैंने क्या बोला, शैम्पू इज शैम्पू। और जब आपने तेल लगा लिया, महंगा शैम्पू भी सेम, सस्ता शैम्पू भी सेम, आयुर्वेदिक शैम्पू भी सेम, हर्बल शैम्पू भी सेम, नेचुरल शैम्पू भी सेम, मैंने वर्ड यूज किया है शैम्पू इज शैम्पू। ये चीज समझनी पड़ेगी। 50 साल पहले तो शैम्पू होता नहीं था, तब भी लोगों के बाल थे ना। 50 साल पहले तो कंडीशनर नहीं होता था, तब भी लोगों के बाल हेल्दी बाल थे। ये आज ही क्यों हुआ? आपने बताया इतने सारे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, तब भी इतने सारे गंजे हैं जी, और हो रहे हैं। तो बेहतर ये है, जो आइडिया जावेद जी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब सुबह नहाइए, उससे पहले आप बालों को 5-7 मिनट गीला कर लीजिए हल्का, उसमें तेल लगाइए, तेल लगाने के बाद आप नहाने जाइए 5-7 मिनट का समय लेकर, उसके बाद शैम्पू कीजिए। जावेद भाई, शैम्पू आइडली हमें सप्ताह में कितने दिन कर लेना चाहिए? 2 रोज होते हैं जी, दांत रोज होते हैं जी, नहाते रोज हैं जी, तो शैम्पू रोज क्यों नहीं करेंगे जी? शैम्पू रोज क्यों नहीं करेंगे? देखो शैम्पू है क्या, एक तरह का साबुन ही है ना। पहले तो 50 साल पहले तो कोई शैम्पू होता नहीं था, लोग साबुन ही लगाते थे, यहाँ लगाया यहाँ लगाया यहाँ लगाया, तो मैं तो सेम ही चीज़ बोल रहा हूँ। क्या साबुन भी सेफ है? क्यों, आपकी कभी आईब्रो कभी सफ़ेद नहीं होती, आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आइडिया, एक चीज़ बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा कि आपकी आईब्रो कभी सफ़ेद नहीं होती, लेकिन ये वाले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पता क्यों? क्योंकि आप मुंह धोते रहते हैं दिन में 50 बार, बाल नहीं धोते, देखा डिफरेंस? और गैप कितना है, ओनली आधा इंच। तो आधा इंच में ऐसा क्या हुआ कि ये बाल ग्रे हो गए और ये बाल ग्रे नहीं हुए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गंदगी जी। देखा कितना सिंपल आंसर है जी, गंदगी। और ये एग्जांपल सबसे अच्छी चीज है, ये बाल ग्रे होते हैं, ये बाल कभी ग्रे नहीं होते किसी के। चलिए साहब, अब जो लोग अब सुनेंगे आपको, अब जानेंगे, तो यकीनी तौर पर इन बातों पर खुद को मतलब अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके बाल ना झड़ें ना टूटें। लेकिन जो लोग वाकई अब गंजे हो चुके हैं या जिनके बाल झड़ चुके हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं साहब कि वो मार्केट में जाते हैं, वो जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हेयर ट्रांसप्लांट करा दो, बाल लगवा लो, अब उस जो जगह खाली हो चुकी है उसको तो भरना है। तो आज के दौर में जो PRP ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रांसप्लांट चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये कितना सेफ है? एक तरह की सर्जरी है ये, जैसे आपकी हार्ट सर्जरी होती है, कुछ लोग पे काम करती कुछ लोग पे काम नहीं करती। तो ऐसी जो ट्रांसप्लांट है ना, अच्छी चीज़ है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज आजकल का जो हेयर ट्रांसप्लांट है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ हार्ट ट्रांसप्लांट। और अगर आपके 100 बाल लग गए, हो सकता है उसमें से 50 बाल ही बचें, 50 बाल निकल जाएंगे, तो अगर आप सोचो कि आपके बाल सेम घने होने वाले हैं जो पहले थे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो गंजापन है वो छुप सकता है 50%, बट नॉट मोर देन दैट, तो आपको कराना चाहिए। हाँ, अगर लेकिन उसकी परसेंटेज पर डिपेंड करेगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या सिर्फ मैनेज कर सकते हैं ओनली विद ए पीस, जैसे आजकल के बहुत फिल्म स्टार हैं, बहुत सारे पीस पहनते हैं, बहुत सारे, नाम नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है 50% फिल्म स्टार पीस पहनते हैं, और पीस, लेकिन पीस की मेंटेनेंस बहुत है, आपको उसको रोज शैम्पू करना पड़ेगा, उसको रोज चिपकाना पड़ेगा, आपको उसको रोज ब्रोडाई करना पड़ेगा, तो मतलब पीस के अंदर आपको कम से कम 50% टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ता, तभी वो हमारे बाल नेचुरल नजर अच्छे नजर आएंगे जी। जो लोग अभी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं और वो आज से ही अगर अपने बालों की केयर करना चाहें, तो 5 अहम बातें जो उनके बाल ना झड़े, बाल ना टूटे, और जो बाल गिर चुके हैं उस जगह दूसरे बाल आ जाए। पहली बात मुझे सुनिए, नंबर 1। नंबर 2, सर सफाई रखो बालों की, और सफाई करने के लिए जितने हमारे पुराने सिस्टम चल रहे हैं ना, जिसको हम कहते हैं मिथ्स, इनको भूल जाते हैं। तेल से कभी किसी का बाल आता नहीं है, नंबर 1। तेल लगाओ शैम्पू से पहले, कभी रात को मत लगाओ और कभी दिन में तेल लगा के छोड़ो मत, ठीक है? अगर आप लोग कंडीशनर यूज कर रहे हैं, सिर्फ नीचे नीचे लगाओ और अच्छे बाल कटाओ, बिकॉज अच्छे बाल जो है ना, एक तरह का फाउंडेशन है,
और वो फाउंडेशन क्या है, अगर आपके बाल छोटे बाल हैं जैसे आपके बाल हैं, मेरे बाल हैं, कम से कम महीने में, नॉट महीने में, 6 हफ्ते में एक बार बाल जरूर कटाओ। और अगर लेडीज के बाल हैं, कम से कम 2-2.5 महीने में बाल जरूर कटाओ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जैसे आए ना बाल के साथ, ऐसे ऊपर जाएंगे बालों के साथ। जावेद भाई कहते हैं कि किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन हमने तो आपकी उम्र जानी है, हम जानते हैं आपके बारे में, तो लेकिन आपको देख करके एक ईर्ष्या तो होती है कि कैसे आपने आपको खुद को मेंटेन किया हुआ है, कुछ जरा बताएंगे अपने बारे में? मैं रोमांस करता हूँ अपने प्रोफेशन का, मैं अपनी लाइफ का प्रोफेशन रोमांस करता हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं रोमांस कर रहा हूँ उसके साथ में। जब आप रोमांस करते हैं ना, दुनिया भूल जाते हैं एंड यू स्टार्ट थिंकिंग वेरी हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव। सो आई एम वेरी पॉजिटिव मैन कि यस, मुझे आज के बाद 100 साल जीना है और ऐसे ही जीना है, अच्छी स्किन के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ और अच्छे बालों के साथ। अगर ये हमारे दिमाग में सोच आ जाएगी ना, मुझे लगता नहीं कि हम लोग कभी इतनी आसानी से हमारी बॉडी के साथ कुछ हो सकता है उल्टा सीधा। रोमांस इज द वर्ड। ओके, अब जो लोग बाल काटते थे समाज में उन्हें नाई कहा जाता था, और ऐसा धीरे धीरे लेकिन वक्त के साथ ये प्रोफेशन बदला और इस प्रोफेशन को एक नई पहचान देने में जावेद हबीब का बहुत बड़ा रोल है। मैं जावेद भाई से ये समझना चाहूँगा कि जब आपके दिमाग में कब ये सवाल आया कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है, और ये जर्नी थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि आज आप आइकन हैं इस इंडस्ट्री के और लोग बाज़ाब्ता अपनी दुकानों में आपकी तस्वीर लगाकर, जावेद हबीब के यहाँ कोर्स करके, और लोग अपना घर परिवार पाल रहे हैं। ये सफ़र आसान नहीं होता, तो मैं जानना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो आपसे इंस्पिरेशन ले सके, आपसे मोटिवेट हो सके, कि ये सफ़र कैसा रहा? मेरे दादा भी नाई का काम करते थे, मेरे फादर भी बाल काटने का काम करते हैं और मैं भी बाल काटने का काम करता हूँ। तो हमारी जनरेशन 100 साल की लेगेसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता था कि जो मेरे दादा ने प्रोफेशन लिया, मैं उसको आगे लेके जाऊँ। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, उसमें एक ही वर्ड काम करेगा, नो मूवी स्टार, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिशियन, एजुकेशन। तो मैंने इसमें अपने आप को एजुकेट किया है, मैंने इसकी साइंस पढ़ी है। लोग बोलते हैं आज भी बाल काटना एक आर्ट है, मैं पता है क्या बोलता हूँ, बाल काटना साइंस है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन, और जब तक दुनिया चलेगी ना, मेरा प्रोफेशन चलेगा। और दुनिया की 10% पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। दुनिया के हमारे जो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, हर इंसान से जुड़ा हुआ है, बाल काटने वाले और बाल कटवाने वाले, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है। मतलब देखिए कितना बड़ा प्रोफेशन है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन। ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन। तभी मेरे जो 70 अकेडमी चल रहे हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ कि जरूरी डॉक्टर बनना है, बालों का डॉक्टर बनो ना, गो टू इंस्टीट्यूट, लर्न द साइंस, एंड वंस यू लर्न द साइंस, उसका प्राउड लेके चलो, आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन। और ये सोच आना चाहिए, जिसका खाते हैं उसकी रेस्पेक्ट लाना जरूरी है। और रेस्पेक्ट कैसे आएगी, अच्छा काम करके, उसको ऐसे काम करके। और वो कैसे आने वाला है, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। बहुत बढ़िया जावेद भाई, जब आप इस प्रोफेशन में आए, आपने इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने का सोचा और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आपने एक्सपेंड किया, कुछ मोमेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जब आपको लगा होगा कि यार हार हो रही है, थोड़ा डीमोटिवेट, कोई ऐसा लम्हा भी आया क्या आपकी लाइफ में, या उससे आप कैसे उभरे, कोई ऐसा क्षण? देखिए मैं एक बारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बहुत पहले जब मैंने इस प्रोफेशन को शुरुआत किया, मैंने सेमिनार करने शुरू किए बहुत सारी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने वर्ड यूज़ किया एजुकेशन, और एजुकेशन लाने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी थ्रू अ सेमिनार। तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मुझसे बोलते कि आप बालों की बात तो कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन करते तो नाई का काम है। पता मेरा आंसर क्या था, यस मैं नाई का काम करता हूँ, तभी आप मुझे आप यहाँ शूट करने के लिए आए। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको एक नई पहल देने जा रहा हूँ, आपको मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। और जो भी जावेद हबीब बना है ना, उसके अंदर आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आप लोगों ने मेरे आइडियाज़ को फैलाया है, क्योंकि मैंने कभी बात नहीं किया कि मैं किस फिल्म स्टार के बाल काटता हूँ। मेरा कहना क्या है, इस चेयर पर जो बैठ जाए वो ये सोचे कि वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अन के बाल अच्छे काटने हैं, और अच्छे बाल कब कटेंगे, when you are trained, when you are like a hair doctor, जब hair doctor बन जाएंगे ना, कोई end नहीं है। कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये आप पे depend करता है। मतलब आप सोचो चांद पे भी shop खुल सकती है, लेकिन उसके लिए दिमाग में एक आना चाहिए कि yes I want to open a salon on the moon also।
एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट डायरेक्शन तो होनी चाहिए इसके लिए। जी, मैं सम अप करूंगा इस डिस्कशन को एक आखिरी आपसे जवाब पाते हुए। वो लोग जो इस शो को देख रहे हैं और वो बालों को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, उनके बाल ना टूटें, उसके लिए जावेद जी क्या कहना चाहेंगे? अनि मेरा आंसर बहुत सिंपल है, जैसे हमारा है ना स्वच्छ भारत, मेरा है स्वच्छ हेयर। अगर इसको फॉलो करेंगे बाल बाका नहीं होगा। जी, आज जावेद हबीब जी के साथ हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए और ये जितने भी सवाल थे मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों के क्वेश्चंस मंगाए, मैंने अपने साथियों से बात की, उनके क्वेश्चंस लिए और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैंने जावेद जी के सामने रखा। तो तमाम सारे बाल हेयर फॉल से जुड़े हुए जो तमाम सारे सवाल हैं उनके बहुत सलीके से, बहुत आसान भाषा में जावेद हबीब ने हमें उनके जवाब समझाए। बाल ना गिरें, बाल ना टूटें और जो बाल हैं वो सुरक्षित रहें, सलामत रहें, उनके लिए जो तरीके हमें बताए गए हैं इस शो में जावेद हबीब ने, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। तो यकीन करते हैं कि जो बाल हमारे को कुदरत ने दिए हैं वो यूं ही लहलाते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग रहेंगे। जिस तरीके से जावेद हबीब जी 60+ हो चुके हैं और उनके बाल देखिए, तो इस तरीके से हमारे बाल भी रह सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम प्रॉपर बालों की केयर करें, हेल्दी डाइट लें, पानी पिएं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम को करने का सलीका उसको छोटा या बड़ा बनाता है, जिस तरीके से इस प्रोफेशन को जावेद हबीब ने खड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हबीब जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।